एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। अब आकस्मिक अवकाश लेने का नियम में हुआ परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि इस तरह का अपडेट जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जिले के प्रारंभिक विद्यालय सहित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में प्रायः देखा जा रहा है कि विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों का आकस्मिक अवकाश बिना आवेदन के स्वीकृत के ही शिक्षक उपस्थिति पंजी में आकस्मिक अवकाश अंकित कर देते हैं, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के प्रतिकूल है। अतः प्रारंभिक विद्यालयों सहित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के शिक्षकों, प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि आकस्मिक अवकाश का स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से कराकर ही विद्यालय छोड़ा जाए तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वीकृति आकस्मिक अवकाश आवेदन की प्रविष्टि आकस्मिक पंजी में करने के पश्चात विद्यालय शिक्षक उपस्थिति पंजी में अवकाश का अंकन अनिवार्य रूप से करेंगे। अवकाश में गए शिक्षकों कर्मियों की जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा उसी दिन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे। अगर इस प्रक्रिया में इतर किसी भी शिक्षक कर्मी उपस्थिति पंजी में अवकाश संधारित करते हुए पाया जाता है तो संबंधित शिक्षक कर्मी तथा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का आदेश जारी किया गया है समाहरणालय रोहतास सासाराम के द्वारा, जिसका ज्ञापांक है 789 और दिनांक है 19/7/2022, जिसका प्रतिलिपि जिले के सभी विद्यालयों के कर्मियों, शिक्षकों, प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनात एवं अनुपालन करने हेतु प्रसिद्ध किया गया है एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी सूचनार्थ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम, डीहड़ी, विक्रमगंज, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सूचनार्थ किया गया है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।